नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एंजल ब्रुकिंग के अकाउंट में अपने नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं तो दोस्तों आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए एंजल ब्रोकिंग में आपको ये फॉर्म को फ़िल करना होगा और आपको इसे एंजल ब्रोकिंग के एड्रेस में भेजना होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ तो दोस्तों अगर आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसको क्लिक करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं चलिए दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को किस तरह से फिल करना है और आपको इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और आपको इसको कहाँ भेजना है ये आने वाली आगे आपको वीडियो में बताता हूँ तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के सबसे पहले हम फॉर्म को फिल करना देख लेते हैं उसके बाद में आपको एड्रेस और आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है अटैच करने का वो आपको बताऊंगा सबसे पहले यहाँ पे आप क्लाइंट का नाम लिख लेंगे तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट का नाम लिख लिया राम कुमार उसके बाद यहाँ पर आप ट्रेडिंग कोड देख रहे हैं आपको ट्रेडिंग कोड जो है और जो ट्रेडिंग कोड और क्लाइंट आई आपको अपने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट में मिल जाएगा अगर आपको ये देखना नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा आपको किस तरह से ट्रेडिंग कोड और क्लाइंट आई देखनी है तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ना, ना, नाम फिल कर लिया एक सैम्पल नेम ले लिया राम कुमार उसके बाद यहाँ जो आपका ट्रेडिंग कोड ट्रेडिंग कोड होगा जो आपको आ, आपके एंजल ब्रोकिंग के ऐप से मिल जाएगा उसके बाद आपको क्लाइंट आई भी जो है एंजल ब्रोकिंग के ऐप से आसानी से मिल जाएगी तो आगे हम हमें आज चलते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दो चेक बॉक्स दिख रहेंगे आई आई वी विश टू नॉमिनेट तो आपको यहाँ पे टिक करना है और दूसरे वाले में आपको टिक नहीं करना है तो इसको टिक कर लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको अगर तीन नॉमिनी तक आप ऐड कर सकते हैं चाहे तो आप एक नॉमिनी ऐड कर सकते हैं दो या तीन कितने भी नॉमिनी आप ऐड कर सकते हैं तो हम यहाँ पे सैम्पल लेके चल रहे हैं कि आपको दो नॉमिनी ऐड करना है तो यहाँ पे फर्स्ट नॉमिनी का आप यहाँ नाम लिख ले लेंगे सीता और दूसरे नॉमिनी का नाम लिख लेंगे मोनू एक सैम्पल मैंने यहाँ ले चला है उसका मिडिल नेम होगा तो यहाँ पर मिडिल नेम आप मैंशन कर देंगे उसका लास्ट नेम जो भी सरनेम है कुमारी और कुमार यहाँ पर हमने मैंशन कर दिया है उसके बाद दोस्तों आपको जो नॉमिनी नंबर वन है और नॉमिनी नंबर टू है उनका यहाँ को यहाँ कम्प्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है जो भी उनका कम्प्लीट एड्रेस आधार कार्ड में होगा आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए नॉमिनी वन और नॉमिनी टू का उसके बाद दोस्तों बड़े सिंपल से डिटेल हैं आपको नॉमिनी वन और नॉमिनी टू का आपको यहाँ पर सिटी बताना है नॉमिनी वन और नॉमिनी टू का आपको यहाँ पर स्टेट बताना है उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना है नॉमिनी वन और नॉमिनी टू का जो भी रहेगा उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी आपके नॉमिनी वन का फोन नंबर है आप यहाँ पे आप मैंशन कर देंगे नॉमिनी टू का फोन नंबर यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे दोस्तों उसके बाद यहाँ आप, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर मैंशन करने बोल रहा है नॉमिनी वन का और नॉमिनी टू का अगर मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है उसका पैन उस कार्ड नहीं है तो आपको जरूरी नहीं है कि उसका पैन कार्ड नंबर मैंशन करना होगा उसके बाद यहाँ पे यू ए डी आई ए डी ए आई पूछ रहा है यू ए डी आई का मतलब होता है कि आपको अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है नॉमिनी वन और नॉमिनी टू का तो आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मेंशन कर दीजिए उसके बाद यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है दोनों नॉमिनी का तो उनका डेट ऑफ़ बर्थ जो भी आपके आधार कार्ड पेन कार्ड में रहेगा आप यहाँ पर मैंशन कर दीजिए उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ दोस्तों इसका मतलब है जो भी आपके डिमेट अकाउंट में जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ रहेगी वो किस तरह से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगी क्योंकि आपने दो नॉमिनी बनाया है तो यहाँ पे मैंने फिफ्टी परसेंट और फिफ्टी परसेंट कर दिया अगर आपको सेवेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट करना है या फिर आपको तीन नॉमिनी बना रहे हैं थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट करना है फोर्टी परसेंट करना है तो आप यहाँ पर जितना परसेंटेज जिसको एलोकेट करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं तीन नॉमिनी या दो नॉमिनी के बीच में उसके बाद आपको ये बताना है जिसको आप नॉमिनी बनाए आपका उनके साथ रिलेशन क्या है तो मान लीजिए जो फर्स्ट नॉमिनी हमने बनाया था वो आपकी वाइफ है तो आप यहाँ वाइफ लिख देंगे और दूसरा नॉमिनी जो है आपका सन है तो आप यहाँ में सन कर देंगे आपका बेटा है तो हमें सन लिख देंगे मान लीजिए कि जो आपका बेटा है वो अट्ठारह साल से छोटा है तो जो 18 साल से छोटा है उसके लिए आपको एक गार्जियन बनाना पड़ेगा क्योंकि आपकी वाइफ 18 साल से ऊपर है तो उनके लिए आपको यहाँ गार्जियन की डिटेल कुछ भी फिल नहीं करनी है पर आपका बेटा जो है वो छोटा है तो उसके लिए आपको एक नॉमिनी यहाँ पे के लिए आपको एक गार्जियन बनाना पड़ेगा और गार्जियन आपकी वाइफ नहीं हो सकती है और किसी को आपको गार्जियन बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे मैंने गार्जियन की डिटेल यहाँ पे फ़िल करना शुरू कर दिए तो यहाँ पे आप गार्जियन का नाम लिख लेंगे सबसे पहले मिंकू उसके बाद यहाँ पे आप उनका एड्रेस लिख देंगे जो भी उनका एड्रेस रहेगा उसके बाद उनकी सिटी मैंशन कर देंगे उनका स्टेट मेंशन कर देंगे और उनका पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर देंगे बड़ी बेसिक डिटेल है उसका जो मेन डिटेल यहाँ पे पूछा रिलेशनशिप विद द नॉमिनी मतलब जो आपका बच्चा है उनके साथ इनका क्या रिलेशन है आपका नहीं इनका क्या रिलेशन है ये इनके क्या लगते हैं तो आप ये उनको बता दीजिए जिनको आप गार्जियन बना रहे हैं वो नॉमिनी का उनके साथ क्या रिलेशन रहते हैं तो आप इसको आप फिल कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आपकी आईडी है आप जैसा आपका हमने नाम लिया था राम तो यहाँ पे मान लीजिए इनकी आईडी है तो आपको आपकी जो भी आपने ये फॉर्म भर रहे हैं जिनके नाम पे आईडी है वहाँ पे आप सिग्नेचर कर लेंगे ये तो आ, मतलब गार्जियन के सिग्नेचर है यहाँ आपको खुद सिग्नेचर करना है जिसके नाम पर अकाउंट है उसके बाद दोस्तों जिस दिन आप ये फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस दिन का डेट यहाँ पे मैंशन कर दीजिए और जिस भी प्लेस में आपने इसे साइन किया जैसे मैं यहाँ पे मुंबई लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे आप इसे मुंबई लिख लीजिए दोस्तों उसके बाद आपको दो विटनेस की भी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी नॉमिनी का उसके लिए तो यहाँ पर मैंने दो आ, आ, विटनेस ले लिया एक राम सोनू कुमार है और एक राजू कुमार है तो हमने यहाँ पे दो आ, विटनेस ले लिए हैं विटनेस का भी आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना है यहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस मेंशन कर देंगे उसके बाद ये आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट है दोस्तों तो दोस्तों क्या करना है इस फॉर्म को आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करना है उसे फिल करना है उसके बाद दोस्तों आपको इसके साथ अपना आधार कार्ड और दो नॉमिनी जो आप ऐड कर रहे हैं एक नॉमिनी या दो नॉमिनी जिसको भी ऐड कर रहे हैं उनका आधार कार्ड को भी अटैच करना है और साथ में दोस्तों आपको ये सब डिटेल वगैरह फिल करके आपको इस एड्रेस पे भेज देना है जो एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें आपको फॉर्म को फ़िल करना है साथ में आपको अपना आधार कार्ड और दोनों का नॉमिनी का आधार कार्ड को अटैच करना है और इसको एक लिफाफे में बंद करना है और आपको जो ये एड्रेस मैं यहाँ मैंशन कर रहा हूँ मैं एक बार एड्रेस पढ़ देता हूँ एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड सेकेंड फ्लोर ओसामा प्लाजा रोड नंबर वन बंजारा हिल हैदराबाद फाइव ट्रिपल जीरो टू फोर इस एड्रेस में आपको इसे अटैच डॉक्यूमेंट अटैच करके सेंड कर देना है दोस्तों जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगा दो तीन दिन में प्रोसेसिंग हो जाएगा उसके बाद एक बार आप कस्टमर केयर में कॉल करके भी कंफर्मेशन ले सकते हैं कि आपका नॉमिनी ऐड हुआ है कि हुआ है कि या नहीं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो